अब हम जा रहे हैं चौपाल। पहले हम इसे चौपाल समझ रहे थे क्योंकि जैसे जैसे बताया था लग रहा था यही चौपाल है, और यहाँ की दीवारों पे भी ना लड़कियों की क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। शूट करना गर्ल्स कॉलेज में बहुत मुश्किल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डीके व्लॉग्स। मैं हूँ ध्रुव किशन और आज मैं आया हूँ कमला नेहरू कॉलेज। ये कॉलेज लड़कियों का कॉलेज आपको पता ही है, और यहाँ पे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड करूँ। तो वीडियो में बने रहो और वीडियो को पूरा देखो। चलो शुरू करते हैं, है ना। कॉलेज में घुसते के साथ ही हमको ये मिलता है एक अच्छी सी छोटा सा कुछ चीज़ है, इस पर लिखा है रीते ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान के लिए मुक्ति, जो भी इसका अर्थ है देख लेना, बहुत अच्छा है। वैसे एंट्री में देखते के साथ ही जो ये देखने को मिल रहा है इसके थोड़ा सा अलग सा दिमाग में आता है ना, अलग ही पॉजिटिविटीज आती है। और ये देखो सामने ऑडिटोरियम, कैंटीन, ये सब चीज़ें यहीं पे पहले ही ऑलरेडी लिखी हुई है। तो कॉलेज के घुसते के साथ ही आपको कोई ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सब चीज़ दे रखा, कहाँ पर क्या जाके क्या मिलेगा। तो यहाँ पर घुसोगे तो ये सेंसर। और आज ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शन है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये सजावट दिख रहा है, और ऑडिटोरियम में थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ ताकि पूरे में आवाज़ ना गूंजे, इस तरह का है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, देख रहे हो। और फिर ऑडिटोरियम से हम बाहर निकल के जाते हैं, अभी हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ, कैंटीन बगल में ही है। ये यहाँ की कैंटीन है, आपको मैं दिखाता हूँ अंदर चल के। और कैंटीन का ही सामने वाला रोड जा रहा है स्टाफ रूम के तरफ, ये सामने एकदम कोने पे जाके स्टाफ रूम। अंदर से बिल्डिंग बहुत अच्छी है ये, वाह यार। और ये सामने इसकी लाइब्रेरी है, सामने ऐसा कुछ है, ऐसा इसके आसपास का ही है। ये रहा शायद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रूम है, ये स्टाफ रूम है यहाँ का। और सामने है मेडिकल रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी है इस कॉलेज। जैसे मैंने दूसरे कॉलेजों में देखा है वहाँ पे मेडिकल रूम नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पीछे देखो इस कॉलेज में मेडिकल रूम है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी यहाँ की। और यहाँ के प्रिंसिपल रूम मैंने देखा वो पीछे ही है, और मुझे सही में उनके सामने से मैं निकल के मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंसिपल रूम, और ये सामने है प्रिंसिपल रूम, बिल्डिंग में घुसने के बहुत सारे गेट हैं, निकलने के भी बाहर जाने के भी, जैसे उसमें से एक ये है शायद, चार या पांच गेट हैं। और कैंटीन से राइट हैंड की साइड जाएंगे तो इस साइड हमको मिल जाता है ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ ही एक है चौपाल, पता नहीं उधर क्या होता है लेकिन हम लोग जाके देख सकते हैं। और कैंटीन के ऊपर ही बना हुआ है यहाँ पर पत्रकारिता विभाग, यहाँ पर लगता है शायद पत्रकारिता की कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती होगी शायद। और बिल्डिंग्स भी सारी बहुत अच्छी है, और यहाँ की दीवारों पे भी ना लड़कियों की क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, देखो हर दीवार पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, ये नीचे डिज़ाइन बने हुए हैं बहुत सारे, आगे भी बहुत कुछ बना है, और ये देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाकी कॉलेजों में जब हम जाते हैं तो आराम से शूट कर लेते हैं, टूर कर लेते हैं, ये प्रॉपर गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ पर शूट करना
खुद में एक बड़ी सी चुनौती है, क्योंकि जैसे शूट करने जाते हैं एक डर रहता है कि किसी की प्राइवेसी होगी, कुछ होगा, तो शूट करना गर्ल्स कॉलेज में बहुत मुश्किल है सही में। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। और सामने ही पड़ता है हमारा एक्टिविटी सेंटर, ये थोड़ा सा एक्टिविटी जो भी स्टूडेंट्स की होती है, यहाँ की परिषद की होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ यहीं पे होती है। अंदर से नहीं दिखा सकता, सारी गर्ल्स बैठी हैं, थोड़ा सा अजीब सा फील आता है ना। अब हम जा रहे हैं चौपाल, पहले हम इसे चौपाल समझ रहे थे क्योंकि जैसा जैसा बताया था लग रहा था यही चौपाल है, लेकिन चौपाल सामने है। चौपाल शायद चौपाल ये एमपी थिएटर है जिसे ये लोग शायद चौपाल कहते हैं। हाँ, ये एमपी थिएटर ही लग रहा है मुझे। और चौपाल से निकलते के साथ ही सामने पड़ता है ग्राउंड यहाँ का, और हम लोग ग्राउंड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आज कुछ प्रोग्राम हो रहा है। एक मिनट, शायद गेम वगैरह आज कुछ हो रही है यहाँ पे। चलो वहाँ पे चल के देखते हैं। और ग्राउंड में आज यहाँ पे ना गेम हो रहा है, दौड़ का रेस हो रही है। रेस हो रही है आज यहाँ पे यार। जो ये गेम वगैरह हमने अभी देखे हैं उससे ऐसा पूरा पता चलता है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वगैरह है, गेम्स वगैरह है, यहाँ पे अच्छा खासा होता है सही में। अभी पीछे मैंने देखा फुटबॉल भी खेल रही थी कुछ लड़कियाँ, बास्केटबॉल भी खेल रही थी, तो ठीक है कॉलेज बहुत अच्छा है। तो बस मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।